मुजफ्फरनगर की गांधी कॉलोनी में आज दिन दहाड़े एक कपड़ा व्यापारी और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर चार बदमाशों ने तमंचों की नोक पर हजारों की नकदी और जेवरात लूट लिए और धमकी देते हुए फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही मंत्री कपिल देव और नई मंडी सीओ हिमांशु गौरव भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गांधी कॉलोनी में गली नंबर 15 में आर्य समाज मंदिर के पास अपने घर में 65 वर्षीय कपड़ा व्यापारी सुभाष गुलाटी अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, जबकि उनके बेटे सूरत में रहकर कपड़े का कारोबार करते हैं। बताया जा रहा है कि आज दोपहर लगभग 2 बजे चार बदमाश उनके घर पहुंचे और तमंचों के बल पर गेट खुलवाकर वृद्ध दंपति को बंधक बनाकर घर में रखी नकदी और जेवरात अपने कब्जे में ले लिए और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद सुभाष गुलाटी और उनकी पत्नी ने शोर मचाना शुरू किया, जिस पर पड़ोसी वहां पहुंचे और दोनों को बंधन मुक्त करने के बाद पुलिस को सूचना दी, जिस पर सीओ मंडी हिमांशु गौरव और कोतवाल सुशील सैनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित व्यापारी से पूरे मामले की जानकारी ली। आदमी थे जी, दो अंदर आ गए, दो पता नहीं बाहर खड़े होंगे या कैसे, उन्होंने हमें बांध दिया और कहे सामान निकालो। एक अटैची पड़ी थी उसकी, कहे इसमें सामान है। मैं कहता हूँ अटैची ले जाना, खुल नहीं रही थी, मैं कहे इसे भी ले जाना। ओ डीजी नहीं होती वो, जो भी है हाँ, मतलब वो अटैची पड़ी है। मैं कहता हूँ इसे ही ले जाओ, हमारे तो बोलते थे बंद हो रही, चाबी गुम हो गई हमें। जो बदमाश थे उन्होंने मुंह लपेटा हुआ था, हाँ वो डाला हुआ था मास्क। गन पॉइंट पे आपको बंधक बनाया उन्होंने? हाँ बंधक क्या बनाया, बस वो बंधक बनाया वो लेंगे ना, पिस्टल चारों के पास थे, कट्टे थे। कितने का सामान आपका ले गए? 40,000 रुपया कैश है और 3 अंगूठी है, सोने की अंगूठी, 2 डायमंड की है, 1 सोने की। तो आप अकेले थे उस वक्त? हम अकेले आई थे। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर के थाना क्षेत्र मंडी में ये गांधी कॉलोनी की ये घटना है, जो करीब 3:30 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। यहाँ इस घर में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं, करीब 4 अज्ञात व्यक्ति जो है घर में प्रवेश किए थे और बंधक बनाकर इनके साथ लूट की घटना कारित की गई थी और सभी उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर आकर जांच की। हमारी फॉरेंसिक टीम SOG टीम भी मौके पर है, हमारे उच्चाधिकारी भी यहीं पर हैं और बुजुर्ग दंपत्ति से मेरी भी बात हुई है। करीब 35,000 रुपये नकद और 3 अंगूठियाँ इनके द्वारा बताई गई हैं, जो बदमाश उतरवा के ले गए हैं। इस घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए मेरे द्वारा कुल 5 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें SOG और सर्विलांस को भी लगाया गया है और लगातार आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले गए हैं और कई हमें अहम सुराग इसमें मिले भी हैं। फुटेज में भी वो लोग कैद हुए हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है घर वालों द्वारा भी हमें दी गई हैं और जल्द इस घटना का हम खुलासा करके उन आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे जी। उनके वाहन चिन्हित हो गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कई महत्वपूर्ण सुराग हमें मिले हैं, CCTV फुटेज भी मिले हैं और हम उन सभी बिंदुओं पर काम कर रहे हैं, जल्दी इसको वर्कआउट कर लेंगे। जैसा कि घर वालों ने बताया, हम मास्क लगाया है और जल्द से वर्कआउट करेंगे, बाकी डिटेल हम आपको अपडेट करेंगे। ये सुभाष गुलाटी जी हैं गांधी कॉलोनी के अंदर, पति पत्नी रहते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, अच्छे प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। बता रहे कि 4 बदमाश घर के अंदर आए और घर से लूट ले करके ले गए हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारे प्रशासन के लिए ये बहुत चैलेंजिंग है। बहुत दिनों बाद इस प्रकार की घटना मुझे फोन में हुई है, चिंता का विषय है। लेकिन हमारे कप्तान से बात हुई है, तुरंत यहाँ पहुँच रहे हैं, CCTV मौके पर है, सारे पुलिस का अमला पूरा मौके पर है और बहुत जल्दी केस वर्कआउट हो जाएगा, ऐसा भरोसा हमको। बिल्कुल एकदम खराब घटना है, चिंता का विषय भी है, लेकिन साथ साथ ये भी कि मुख्यमंत्री का खौफ बदमाशों में भी है। उनको पता है इस बात का कि कानून के सिकंजे से बच नहीं पाएंगे, अब बहुत जल्दी प्रशासन की पुलिस की गिरफ्तार होगी। मुजफ्फरनगर से नागरदत्त शर्मा की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।